सीरियल ये रिश्ता क्या कह लाता है मैं, अमीरा का अवार्ड फंक्शन में उड़ेंगी संजय की इज्जत की धज्जियां। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि यहां पर अब अमीरा को अपने पैरों में गिड़गिड़ाने के लिए संजय कहते नजर आएगा, क्योंकि उसके लिए तो उसके दिल में इतनी नफरत की उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, साथ में उसके क्लाइंट के साथ में जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है वो सब कुछ उसके बदले लेना चाहता है, देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अमीरा का असाइनमेंट सबमिट कर देता है ले जाकर अरमान, और यहाँ पर अरमान उसकी मदद करते नजर आता है और देखने को मिलेगा अमीरा अपने एग्जाम को टॉप करते नजर आने वाली है और बार काउंसिल की वजह से यहाँ पर मिलने वाला है अमीरा को अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि बार काउंसिल यहाँ पर टॉपर्स को अवार्ड देते नजर आएगी, जिसमें संजय और यहाँ पर खासकर वो यहाँ पर पोदार परिवार को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि वो भाई लॉ फर्म चलाते हैं काफी अच्छी रेपुटेड, और इसीलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अनाउंसमेंट किया जाता है कि संजय बंसल यहाँ पर जो है अमीरा शर्मा को अवार्ड देंगे। लेकिन अमीरा यहाँ पर इसका पूरा श्रेय अरमान को देना चाहती है और स्टेज पर कहती है कि ये अवार्ड मैं चाहती हूँ कि दादी सा मुझे दे या फिर अरमान। तो देखने को मिलने वाला है कि दादी सा की जगह यहाँ पर अरमान अमीरा को अवार्ड देते नजर आएगा और देखने को मिलने वाला है उड़ जाएगी संजय की इज्जत की धज्जियां, क्योंकि उससे अमीरा अवार्ड नहीं लेगी, क्योंकि उसे पता है कितने इल्लीगल तरीके से उसने आज तक जो भी हासिल किया वो इल्लीगल तरीके से किया, और वो ऐसे इंसान से कभी भी अवार्ड नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए देखने को मिलेगा कि अमीरा ये कहेगी मुझे यहाँ तक पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ अरमान पोदार का हाथ है, उसी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ अरमान पोदार ही मुझे अवार्ड दे, मेरे पति। जिसके बाद अमीरा यहाँ पर अरमान के हाथों से अवार्ड लेगी और बेइज्जती हो जाएगी संजय बंसल की एक बार फिर से।